हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। ये दूसरा वीडियो है स्टैटिक जीके का। पहला वीडियो अपलोड किया जाता है 10 बजे सुबह में, 10 AM। सेकेंड वीडियो जो अपलोड होता है वो 5 AM को, 5 PM को अपलोड होता है। तो ये शाम वाली वीडियो है, इसमें आज मैं करवाने जा रहा हूँ विश्व की प्रमुख नहरें। विश्व में जितनी भी नहरें हैं वो कहाँ स्थित है उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, और वो किसको जोड़ती है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यही हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है। स्टडी मटेरियल के लिए हमारे ज्ञानोदय गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। हमारा अनदर चैनल जिसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, साइबर कैफे 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लें, उसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जामिनेशन, SSC, CHSL जो एग्ज़ाम होगी अभी कुछ कारणों के चलते टल गई है, जो COVID-19 के कारण टल गई है एग्ज़ाम होगी। सर SSC के बाद NTPC, रेलवे ग्रुप डी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बने रहिए अंत तक। देखिए, आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है नहर से रिलेटेड, मैं आज करवाने जा रहा था। सू नहर कहाँ स्थित है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर झील को हरूज झील में जोड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है इरी नहर जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ये ईरी झील और मिशिगन झील को आपस में जोड़ती है। गोटा नहर जो है वो स्वीडन में स्थित है। ये स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में स्थित है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। उसके बाद है उत्तरी सागर नहर, ये जर्मनी में ये स्थित है, जैसा कि आप पहले भी अभी बताए जर्मनी में, और जर्मनी में स्थित है, और ये उत्तरी सागर एवं एम्स्टर्डम को जोड़ती है। नेक्स्ट है मैनचेस्टर नहर, ये ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, और मैनचेस्टर और लिवरपूल को आपस में जोड़ती है। आगे देखिए, आगे है न्यू वाटरवे, ये जर्मनी में स्थित है। तो ये उत्तरी सागर और रटडम को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है वोल्गा डन नहर, ये रूस में स्थित है। ये रोस्टोवा अस्टलिन ग्राड को आपस में जोड़ती है। उसके बाद है ब्लेडर नहर जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। तो ये ईरा और ओंटोरिया को जोड़ती है। नेक्स्ट है केपी नहर, वो भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को जोड़ती है। उसके बाद है स्वेज नहर जो मिस्र में है। ये लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो पनामा में स्थित है। ये कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है अल्बर्ट नहर जो है ये पश्चिमी
यूरोप में है। ये एंट्रोपी लीक तथा विनेक लेक्स को आपस में जोड़ती है। चलिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप में और एंट्रोप लीक और क्या है विनेलेक्स को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है पनामा नहर। पनामा नहर पनामा में स्थित है। ये कैस्पियन सागर और प्रशांत महासागर में को जोड़ती है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। दूसरा है स्वेज नहर। स्वेज नहर भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है जो मिस्र में स्थित है। तीसरा है केपी नहर। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन को जोड़ती है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। तीसरा चौथा जो है वाटर न्यू वाटर वे ये जर्मनी में है। ये उत्तरी सागर और अस्टारडम को जोड़ती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट में एक हो गया कील नहर। कील नहर भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये जर्मनी और उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को भी जोड़ती है। और इम्पोर्टेंट इसमें देख लीजिए एक ईरा है। ईरा नहर जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ईरा झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। और ये सू नहर ये भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। सुपीरियर झील और हुरत झील को आपस में जोड़ती है। चलिए आज का वीडियो यही था। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय गुरुकुल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करवाइए हमारे YouTube चैनल को। स्टडी मटेरियल के लिए आपको यही चैनल ज्वाइन करना है ज्ञानोदय गुरुकुल। इसमें अभी स्टैटिक की सीरीज चल रही है और संडे को आपको एक पापा वीडियो मिलेगा जो CHSL एग्जाम में 100% क्वेश्चन वहीं से मिलेगी जिसमें GK GS जितनी भी क्वेश्चन पूछी जा रही है 100% क्वेश्चन वहीं से रहेगी।